अस्सलामु अलैकुम अमेजिंग पीपल एंड वेलकम टू आवर चैनल अमेजिंग टेक गाइज। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने सेलुलर डेटा के ज़रिए लार्जर फाइल्स अपने मोबाइल में किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं। जो लार्जर ऐप्स होती हैं, जो 160 MB से ऊपर की ऐप्स होती हैं, तो वो आप किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो व्यूअर्स, आपने सबसे पहले चले जाना है ऐप स्टोर पर और यहाँ पर कोई भी ऐसी ऐप सेलेक्ट करनी है जो 160 MB से ज़्यादा की हो, जो जिसका साइज़ जो है 160 MB से बड़ा हो। तो मैं यहाँ सर्च में लिख लेता हूँ, जैसे कि है रियल रेसिंग गेम है, जो कि तकरीबन 800 MB और 900 MB की फ़ाइल है इसकी। जैसे कि यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए 800 MB की जो है इसकी फ़ाइल है। तो इससे मैं डाउनलोड करने की कोशिश करता हूँ, डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखें कुछ इस तरह का जो है विंडो अपीयर होगी, जो कह रहा है कि 600 MB से जो है लार्जर फाइल है। तो जब हम इसे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, क्लिक तो हो जाएगा लेकिन ये डाउनलोड स्टार्ट नहीं होगी। आपको मैं मेन्यू पे जाके दिखा देता हूँ, ये देखें ये डाउनलोड हमारी आ तो गई, अपीयर हो गई लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही। तो इसे स्टार्ट करने के लिए आपने क्या करना है, सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद जनरल पे चले जाना है और यहाँ डेट एंड टाइम पे चले जाना है इसे, और सेट ऑटोमेटिकली को आपने हटा देना है यहाँ से। और जो डेट है वो आपने आगे की कर देनी है, यानी 3-4 दिन जो है आगे कर देना है इसको डेट को, या जितना भी आप आगे करना चाहें, और इसे सेव कर देना है। 9 जुलाई पर मैंने लगा दिया इसे, देख रहे हैं डेट अभी आगे कर दी है मैंने। तो सिंपली आप जब ऐसे बंद करेंगे तो आप देख सकते हैं कि डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है हमारी स्क्रीन पर। तो इस तरह जो है आप कोई भी बड़ी ऐप्स जो है अपने सेलुलर डेटा के ज़रिए जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल अमेजिंग टेक गाइज़।